एंड वेलकम टू वाव कॉर्नर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक DIY होममेड फेशियल, जो कि है टमेटो फेशियल। यस, आप सोच रहे होंगे टमेटो फेशियल, अरे भाई जब टमेटो हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, स्किन के लिए इतना अच्छा है, तो सोचो जब हम उसको अपने फेस पे लगाएंगे तो वो कितना अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर आपको स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन ग्लोइंग, ये तीनों चीजें एक साथ चाहिए ना, तो आप लोगों को भी ना मेरी तरह ये फेशियल जरूर ट्राई करना चाहिए। मैंने ये फेशियल कल रात को ही किया था और इसका ग्लो मेरे फेस पे अभी भी आप लोगों को दिख रहा होगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वरना आप लोग मुझसे कमेंट करते थे पूछोगे, वैसे तो पूछ भी सकते हो, कि ये फेशियल बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। मैं आपको जो भी चीज बताती हूँ वो बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये फेशियल दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि इतनी तेजी से धूप पड़ने लगी है, इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है कि हम लोगों की स्किन बहुत ज्यादा डल और डेड स्किन, पिगमेंटेशन, सनबर्न, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको आप घर में ही कैसे दूर करेंगे टमेटो फेशियल से, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात, मैंने ये फेशियल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी पीजी सा रखा है, बहुत इजी। तीन ही स्टेप है, क्लींजिंग, स्क्रबिंग और फेशियल मसाज। फेशियल मसाज और फेस पैक को मैंने मिक्स कर दिया है, तो फटाफट से देख लेते हैं इस फेशियल को करना कैसे है। लेट्स गो। टमाटो फेशियल के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, इसकी हम बनाएंगे प्यूरी, लेकिन इसमें से हम आधे टमाटर को बचा लेंगे। और ये देखिए प्यूरी बन गई है, अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि हमारे हर फेशियल में यही प्यूरी यूज़ होगी। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा क्लींजिंग। इसके लिए हम 2 चम्मच दूध लेंगे और यहाँ पे हमें रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध, और 1 चम्मच टमाटो प्यूरी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि वो गंदे ना हो। फिर एक कॉटन पैड की हेल्प से इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से लगाएंगे फेस पे, और ये हमें कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे से क्लींजिंग करनी है इसकी, कॉटन की हेल्प से सर्कुलर मोशन में। इससे क्या होगा कि सारी जितनी भी गंदगी है ना वो निकल जाएगी, हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और हमारे फेशियल में आने वाले जितने भी स्टेप है ना, और हमारी स्किन उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगी। और आप इसी फर्स्ट स्टेप से देखेंगे कि हमारे स्किन पे कितना ग्लो आ गया है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है और टमाटो में फ्रूट एसिड, ये दोनों मिलके हमारी स्किन को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। इसको लगाने के बाद आप आधा मिनट वेट करेंगे और फिर एक कपड़े की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से इसको क्लीन कर देंगे, वॉश नहीं करना है फेस को। अब स्टेप नंबर 2 स्क्रबिंग है हमारा। तो स्क्रबिंग के लिए हम लेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच टमाटो प्यूरी। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने फेस पे इसको अच्छे से लगा लेंगे। पूरे फेस पे इसको हम अच्छे से लगाएंगे, गर्दन पे भी अच्छे से लगाना है, और लगाकर इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्क्रब बहुत अच्छा है, इसमें चीनी है, चावल का आटा है, इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सपल और स्मूथ बनाएगी। इस स्क्रब से क्या होगा, आपकी जितनी भी डेड स्किन होगी ना वो हट जाएगी, जितनी भी अनइवन स्किन होगी वो भी अच्छे से ब्राइट हो जाएगी। जब हम स्क्रब करते हैं तो इससे सारी डेड स्किन निकल जाती है, जिससे हमारी स्किन ब्राइट, प्लम्प, स्मूथ और ग्लोइंग लगती है। अब इस स्क्रब को हाथ से नहीं करना है, जो आधा टमाटर हमने बचा के रखा था उससे ही करेंगे, अपने गाल पे सर्कुलर मोशन पे करेंगे, चिन पे करेंगे, नोज पे करेंगे, फोरहेड पे करेंगे, अच्छे से करेंगे। और इस स्क्रब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसी स्क्रब्स को करते करते आपके सारे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, आपको अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गर्दन को बिल्कुल नहीं भूलना है और टी जोन एरिए पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारी अनइवन स्किन यहीं पे ज़्यादा होती है। नेक पे भी अच्छे से करेंगे और ये स्क्रब हम लोग 8 से 10 मिनट अच्छे से करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ को यूज़ नहीं करना है, सॉफ्ट ही रखना है, ईजिली आपकी जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। टमाटो में जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना, ये हमारी स्किन में हुई टैनिंग को एकदम से दूर करके और स्किन को एकदम ब्राइटन बना देते हैं। तो ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि ये स्क्रब और ये फेशियल बेस्ट है हर स्किन टाइप के लिए। और स्क्रब करके बस आपको अपना फेस पानी से धो देना है। यहाँ मैंने पानी से मुंह धो लिया है, आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे कि पहले कैसा स्किन थी मेरी और अभी कैसी दिख रही है। दिख रही है ना, एकदम क्लीन, ग्लोइंग और बहुत सॉफ्ट भी है, और मुझे ब्लैक हेड्स निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब स्टेप नंबर 3 और 4 जो हमने कंबाइन कर दिया है, फेस पैक एंड फेस क्रीम। इसको बनाने के लिए हम 1 चम्मच बेसन लेंगे,
एक चम्मच हल्दी लेंगे। यहाँ पे मैंने अम्बा हल्दी ली है जो फेस पे लगाने वाली होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हल्दी हम खाने में यूज करते हैं उसको हम अपनी स्किन पे नहीं लगाते हैं, और जो हल्दी हम अपनी स्किन पे लगाते हैं उसको हम खाने में यूज नहीं करते हैं। तो इन दोनों हल्दी में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो कभी भी खाने की हल्दी को फेस पे नहीं लगाना, और जो फेस पे लगाते हैं उसको खाने में यूज नहीं करना। जो हल्दी मैंने यहाँ पे यूज करी है उसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच टमाटो प्यूरी, आधा नींबू और 1 चम्मच दही। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे। इसको हम अपने फेस पे लगा लेंगे। आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं आप, या फिर हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरे फेस पे, नेक पे भी अच्छे से लगा लेना है। और इसको लगा के हम करेंगे मसाज। टमाटो में विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है एंड विटामिन सी होता है। कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है। और लेमन तो आप सबको पता ही है कि नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का कितना अच्छा काम करता है हम सबके लिए। और टर्मरिक में एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके ना आपके चेहरे पे एकदम जादू जैसा वर्क करती हैं। सारे डार्क स्पॉट को रिमूव कर देती हैं, पैचेस को रिमूव करती हैं, पिगमेंटेशन को रिमूव करती हैं, आपके स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको लाइट करती हैं, मींस आपका जो नेचुरल कलर होता है उसको निकालती हैं। धीरे 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 करके आप अपने पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, चिन की तरफ से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। नेक पे भी ऊपर की तरफ ही मसाज करना है आपको। मसाज आपको हमेशा ना ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करके करनी चाहिए। आप अपने चिन एरिया पे फोकस करिए, फोरहेड पे फोकस करिए, नोज एरिया पे, आईब्रोज को अच्छे से, यहाँ आप जितना अच्छे से प्रेस करेंगे आप उतना अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। और ये मसाज आप 10 से 12 मिनट के लिए करिए। और फिर आपका जो बचा हुआ पेस्ट था ना उसको भी आप इसी के ऊपर लगा लीजिए बिना धोए। पूरा इवनली फिर से हम इसको लगा लेंगे। अब ये हमारा फेस पैक का काम करेगा। अब इसको लगा के आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मतलब तब तक छोड़ना है आपको जब तक कि ये सूख ना जाए। दस से 12 मिनट बाद आपका फेस पैक कुछ ऐसे से सूख जाएगा। अब बस आपको अपने इस फेस को अच्छे से पानी से वॉश करके हटा देना है। ये देखिए मेरा फेस कितना क्लीन हो गया है। यहाँ हमारा फेशियल होता है कंप्लीट। और आपको टॉवल से ना बहुत हार्ड करके फेस को क्लीन नहीं करना है, डैब 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 करके बस आपको पानी को सुखा देना है। और यहाँ मैं आपको एक अच्छी सी एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि यहाँ पर आप या तो अपना टोनर लगा सकते हैं या फिर आइस क्यूब लगा सकते हैं। मैं यहाँ आइस क्यूब लगा रही हूँ। इससे क्या होता है, आपके फेशियल करके जो पोर्स ओपन हो जाते हैं ना वो क्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। तो आइस क्यूब हमारे फेस के पोर्स को क्लॉक करने में हेल्प करेगा। आप मेरे फेस पे ग्लो देख रहे हैं, देखो कितना शाइन कर रहा है मेरा फेस। अगर आप भी ऐसा ग्लो चाहते हैं तो ये फेशियल जरूर करिएगा। आइस क्यूब लगाकर हमारा फेशियल होता है कंप्लीट। टंटड़े तो था ना ये फेशियल बहुत ही ज्यादा इजी, कम टाइम में अच्छा ग्लो पाने वाला। तो मेरे कहने से एक बार इस फेशियल को जरूर ट्राई करना। बॉयज गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे। तो जिस किसी को भी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो लोग फेशियल जरूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को इसका रिजल्ट कैसे मिला। आप देख ही रहे होंगे मेरा बिफोर एंड आफ्टर कितना डिफरेंस दिख रहा है इसमें इंस्टेंट। तो सोचिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। जाइए इस फेशियल को ट्राई करिए और मेरी वीडियो को थम्स अप दीजिए, लाइक करके खूब सारा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।